कैसे ये नदी बहकाती है? नदी कहाँ से बहकाती है? नदी बहकाती है बहुत दूर से। गाइस कैसे है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, व्लॉग नहीं बस खाली घूमने आया था, तो सोचा आप सबको घुमा देता हूँ। और अपने घर आया हुआ था तो यहाँ से कुछ वाटरफॉल है, छोटा मोटा वाटरफॉल है, तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चलते दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। तो देखो ये वाटरफॉल, ये जो पीछे बह रही है नदी वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये कम है, मगर ये बरसात जब होता है तो बरसात में बहुत ही ज़्यादा झरना होता है। और मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे झरने की आवाज़ है ना, तो झरने की आवाज़ से क्लियर नहीं आ रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाटरफॉल है और ये पीछे का नज़ारा है कुछ इस तरह से। और ये जो प्लेस का नाम है ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में अमृत धारा। तो सोचा आया था घूमने, तो सोचा आप सबको भी घुमा ही देता हूँ, दिखा देता हूँ अपने गाँव का थोड़ा बहुत लुक। और ये मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है वाटरफॉल, यहाँ पे है मस्त टाइप से, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। गाइज यहाँ पे देखो ये वाटरफॉल मस्त टाइप से, यहाँ पे ये तो अभी कम दिख रहा है गाइज, अगर बरसात समय होता तो उस समय बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये पत्थर ही पत्थर है, और यहाँ पे पूरा ही नीचे पानी गया है। और इधर जो है सब दोस्तों सब जंगल एरिया है, पूरा यहाँ पे जंगल है, और वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मंदिर वगैरह है, कुछ यहाँ पे पार्क वार्क भी हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ आगे में कि पार्क क्या है, कैसा पार्क है, यहाँ पे गांव एरिया है। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, दरअसल ये पर्यटन स्थल है जिसको बोलते हैं ना पिकनिक स्पॉट वगैरह, तो वही सब है यहाँ पे, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में बड़े बड़े पत्थर दिए हैं, और यहाँ पे कैमरे में लग रहा है कि बहुत कम ऊँचाई, लेकिन अगर आप जाओगे रियली में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है गाइस। कैसे ये नदी बहकाती है? नदी कहाँ से बहकाती है? नदी बहकाती है बहुत दूर से। और नदी के बारे में तो मालूम है नहीं कि नदी कहाँ से बहकाती है, बगैर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, तो पानी वानी है बहुत सारे। यहाँ पे देखो कुछ लोग आए हुए हैं जो घूमने, और मैं भी आया था घूमने। और यहाँ पे बहुत लोग हैं, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में। और बहुत ही अच्छा पानी यहाँ पे, देखो पानी के बीच पे खड़ा हूँ। गाइज ये है क्या बोलते हैं कैंटीन वगैरह है, यहाँ पे नाश्ते वास्ते की व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से कैंटीन इसको सजाया गया है जो बहुत अच्छा दिखता है। और मेरे पास समय नहीं है वरना मैं आपको अंदर जाके दिखाता, खैर अभी बेहतर है, काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे विचार ऐसे है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, और इधर पूरा कैंटीन है, और यहीं से कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मंदिर है बहुत प्यारा सा, और इधर से यहाँ पे वो देख रहे हैं आप, वहाँ पे वाटरफॉल है, वो देखो वहाँ पर जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे वाटरफॉल है, और मतलब वही झरना। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हैं गाड़ी वगैरह, यहाँ पे पर्यटन स्थल है, बहुत ही अच्छा है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वाटरफॉल पसंद आया होगा। वाटरफॉल जो ये है झरना, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो उम्मीद करता हूँ, शायद मेरे को तो मालूम ही नहीं व्लॉग कैसे बनाते हैं, तो बस आया था तो सोचा आप सबको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना। और ये वाटरफॉल है बस देख लो, छोटा मोटा है, ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता, ठीक है गाइस।